कल भारत ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया, जिसके चलते भारत के हर घर में तिरंगा देखने को मिला। कल नागरिकों ने अपनी दुकानों में, अपने वाहनों में, अपने घरों में तिरंगे को फहराया और तिरंगा रैलियां निकाली। कई कार्यक्रम हुए जिसमें लोगों ने हिस्सा भी लिया। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर अब लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। वीडियो उत्तर प्रदेश के मेरठ का बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक मुस्लिम समुदाय ने तिरंगा रैली निकाली है और उस रैली में हिंदुस्तान जिंदाबाद की जगह अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है, जिसके बाद अब इलाके के स्थानीय लोगों के साथ साथ सोशल मीडिया यूजर्स भी भड़क उठे हैं। जानकारी के मुताबिक ये विवादित वायरल वीडियो मेरठ के शोभापुर गांव का है, जिस पर स्थानीय लोगों का भी कहना है कि मुस्लिम समुदाय ने तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान एक भी बार देशभक्ति का कोई भी नारा नहीं लगाया और पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। देखिए, मैं तो बस ये कहूँगा, ये ताना कंकरगेड़ा क्षेत्र के अंदर ये घटनाएं जो हो रही है मेरठ जिले में, ये बड़ी जो है गलत है। और 15 अगस्त का दिन है और इस दिन पे दिन हाथों में झंडे लेकर विधर्मी जिस तरीके से मतलब यहाँ पे जो है हमारा भारत माता के मंदिर के बराबर में से एक हिंदू को डराने का जो प्रयास हो रहा है, नारे लग रहे हैं। एक तरफ तो भारत का झंडा, हमारे देश का झंडा उनके हाथों में, और उसके बाद नारे लगा रहे हैं कि मतलब जो है इसके अंदर इस्लाम जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, जैसे गांव वालों ने बताया, वीडियो के अंदर भी है। और एक बह का जो माहौल यहाँ हिंदुओं के लिए, मतलब भावनाओं को जो आहत करने वाला नारा है तकरीर, ये जो नारे हैं क्या मतलब इन नारों का, ये कहीं ना कहीं जो देख पूरी दुनिया देख रही है, आप देखिए बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का क्या हाल हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत कराया जा रहा है भारत के अंदर, ये कराया जा रहा है। इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए, मुकदमे के साथ साथ इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ इनके ऊपर एक देशद्रोह का जो मुकदमा वो भी दर्ज होना चाहिए। कोई ऐसा वैसा नहीं, ये तो पता करना चाहिए किन लोगों ने इनके द्वारा कराया जा रहा है। आज मेरठ में कराया, और भी कई माहौल देश के अंदर खराब करने की पूरी योजना है, और ये कहीं ना कहीं जो है इस्लामीकरण को बढ़ावा देने वाली बात है। चाहते हैं इस देश को भी इस्लामीकरण कर दे। स्थानीय लोगों का कहना ये भी है कि मुस्लिम समुदाय ने ये नारे हिंदू मंदिरों के आसपास लगाए हैं ताकि वो हिंदू समुदाय में डर पैदा कर सके। अब ऐसे में मंदिर के पुजारी भी भड़क उठे हैं और इस हरकत को उन्होंने गलत बताया है। आइए आपको सुनाते हैं। जी, मैं तो आवाज देखा हूँ कि जो नारे लगे हैं ये सही नहीं है, क्योंकि आज 15 अगस्त था और आज भारत देश आज़ादी का समय आज का दिन है। मगर कुछ लोग जो आदर तत्व हैं, जो गलत करना चाहते हैं, जिनकी मनसा गलत है, उन्होंने आज गलत नारे लगाए, जैसे कि भारत माता का झंडा लेकर के अल्लाह अकबर का नारा लगाना और इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये गलत है। क्योंकि यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं और एक धर्म विशेष को लेकर के कोई हम जयकार नहीं लगा सकते, इससे कि कोई माहौल ख़राब हो सके। और जैसे यहाँ आसपास दोनों चीज़ें मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, इसके लिए गलत नहीं है, इन्होंने गलत। तो मंदिर से मस्जिद की दूरी कितनी है? बस ये समझिए 5 कदम की दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं। बराबर में? हाँ, बराबर है। अगर भी ऐसा तब हुआ नहीं, मगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं अब इस मामले में स्थानीय लोगों के साथ साथ मंदिर के पुजारी ने नाराजगी जाहिर की है और उन्होंने कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।